दूसरा सेमीफाइनल डॉन बॉस्को स्कूल डोंबिवली बनाम एनएम जोशी मार्ग म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल लोअर परेल। दूसरा सेमीफाइनल हो चुका है शुरू। दक्ष शेट्टी डॉन बॉस्को की तरफ से पहली रेड में आए हैं। 9-8 पॉइंट इन्होंने क्वार्टर फाइनल में लिए थे सेंट जेवियर के खिलाफ। दक्ष शेट्टी इस समय रेड में है। हर एक रेड डू और डाई है। लेफ्ट कॉर्नर ने डाइव लगाई, हाफ मिड लाइन को क्रॉस, क्या विसल से पहले किया है। 4 पॉइंट्स डॉन बॉस्को स्कूल। डॉन बॉस्को स्कूल की धमाकेदार शुरुआत सुपर रेड से। दक्ष शेट्टी ने शुरुआत की है दूसरे सेमीफाइनल की। ये बहुत मुश्किल होगा दूसरा सेमीफाइनल एनएम जोशी मार्ग म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल के लिए। अब तक सारे मैचेस को उन्होंने डोमिनेट किया है, लेकिन यहां पर उनको नहले पर दहला मिला है। क्या धमाकेदार शुरुआत हुई है दूसरी सेमीफाइनल में डॉन बॉस्को स्कूल की। वैभव रेड पर है, लेकिन उनको बचाना होगा। एक बार फिर से ऑल आउट बचा लिया है एनएम जोशी स्कूल ने। डाइव लगाई थी यहां सेंटर खिलाड़ी ने, जिसकी जरूरत ही नहीं। लगातार दो बार डॉन बॉस्को ने एनएम जोशी मार्ग स्कूल को ऑल आउट करने का मौका गवाया है। सुपर टैकल ऑन है। दक्ष शेट्टी को अगर यहां आउट कर लेते हैं तो बहुत जबरदस्त बात होगी। बिल्कुल, ये हो गया सुपर टैकल। एक तो लगातार दो बार ऑल आउट बचाया एनएम जोशी स्कूल ने, उसके बाद सुपर टैकल करके दो पॉइंट भी कमाए। छोटी हाइट बड़ी फाइट, मुंबई सिटी फाइनल्स। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। पार्थ कमाल कर गए हैं। 1 पॉइंट एनएम जोशी मार्ग स्कूल। यहां सुपर टैकल सिचुएशन है, कहां ऑल आउट होने के करीब एनएम जोशी मार्ग थे, ऑल आउट होने के करीब अब डॉन बॉस्को आ गए हैं। 1 पॉइंट एनएम जोशी मार्ग स्कूल। जैसे नंबर एयर 6-0 से आगे थी डॉन बॉस्को। कहां स्कोर 7-7 हो चुका है। पिछले मैच में भी एनएम जोशी स्कूल ने ऐसे ही वापसी की थी, और अब बंच रेड पर है, बंच आउट है। पहली बार इस मुकाबले में सेमीफाइनल में एनएम जोशी मार्ग स्कूल ने बढ़त ले ली है, और डॉन बॉस्को ऑल आउट की कगार पर। 3 पॉइंट्स एनएम जोशी मार्ग स्कूल और ऑल आउट। कहां 6-0 की बढ़त डॉन बॉस्को स्कूल के पास थी सुनील, कहां एनएम जोशी मार्ग स्कूल 11-7 से आगे। एनएम जोशी मार्ग स्कूल ने अपना ऑल आउट दो बार बचाया था, डॉन बॉस्को एक बार भी बचा नहीं पाए और ऑल आउट हुए। इसी कारण जोशी मार्ग स्कूल ने जबरदस्त वापसी की है। 6 पॉइंट से पीछे थे। कितने पॉइंट? बोनस प्लस पॉइंट डॉन बॉस्को स्कूल, जैसे नंबर 12 आउट। सही मायने में यह मुकाबला दक्ष शेट्टी बनाम एनएम जोशी मार्ग स्कूल के बीच में हो चुका है। दक्ष शेट्टी इकलौते रेडर हैं जो पॉइंट लाए हैं डॉन बॉस्को के लिए। क्या ये सुपर रेड है? करीबी मामला था, सुपर रेड होते होते रह गई, लेकिन डाइव लगाई वहां, लेकिन इतना एडवांस टैकल, ऐसा लगा था कि 3 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन 2 पॉइंट भी कम नहीं। तो सही मायने में दक्ष शेट्टी बनाम एनएम जोशी म्युनिसिपैलिटी स्कूल के बीच का ये पहला हाफ खत्म हुआ है। एनएम जोशी मार्ग स्कूल 14-10 से आगे है। Boys in blue हैं एनएम जोशी मार्ग म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ी। 4 पॉइंट से आगे हैं, लीड बढ़ेगी, क्या 2 पॉइंट मिले? 2 पॉइंट्स एनएम जोशी मार्ग स्कूल। विक्रांत थे रेड पर, पैकिक लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मौका मिला। 6 अंकों का फासला। दक्ष शेट्टी हालांकि सुपर 10 के करीब है, लेकिन बहुत काम बाकी, बहुत प्रेशर भी इनके ऊपर होगा। अकेले रेडर हैं जो चल रहे हैं अपने स्कूल के लिए। डिफेंस की मैच्योरिटी देखिए, बोनस लेने दिया। बोनस डॉन बॉस्को स्कूल। ये सुपर टैकल ऑन, ये सुपर टैकल भी हो सकता है, और सुपर टैकल हो गया। रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स डॉन बॉस्को स्कूल। डॉन बॉस्को को बहुत कीमती 2 पॉइंट मिले हैं।
डॉन बॉस्को स्कूल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। ये दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, जबरदस्त रोमांचक मुकाबला। दक्ष शेट्टी का सुपर टेन पूरा, बोनस प्लस टू पॉइंट्स, डॉन बॉस्को स्कूल सुपर रेड के साथ सुपर टेन। क्या लाजवाब रेड थी और दोनों ही टीमें बराबरी पर। सुनील, दक्ष शेट्टी बनाम एनएम जोशी स्कूल का यह मुकाबला है। पिछले मैच में 9 रेड पॉइंट मिले थे, आज 12 पॉइंट, यानी सुपर 10 पूरा कर लिया है दक्ष शेट्टी ने। कहां हाफ टाइम तक 4 अंकों की बढ़त लेकर एनएम जोशी मार्क स्कूल आगे थी, लेकिन अब डॉन बॉस्को स्कूल आगे। सुपर टैकलॉन दक्ष शेट्टी, या कुछ कमाल कर दिखाएंगे या फिर डिफेंस चलेगा। डिफेंस चल गया एनएम जोशी मार्क का। रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स एनएम स्कूल। चौथी मर्तबा लीड ने अपना पासा पलटा है। एनएम जोशी ने सुपर टैकल किया, दक्ष शेट्टी बेंच पर चले गए हैं। उनको जल्दी रिवाइव नहीं करवाया तो वापसी बड़ी मुश्किल होगी इनके लिए। 20 सेकंड की रेड, हर एक रेड डू और डाई। दूसरा सेमीफाइनल, सेंटर को निशाना बनाया। गुलाबी कलर के इलाके में आप तभी जा सकते हैं अगर आपका या आपके टीममेट का रेडर से टच हुआ हो तो। मानव फिलहाल रेड पर, ब्लॉक किया, जबरदस्त हाई होल्ड, आउट। रेडर आउट, 1 पॉइंट एनएम जोशी मार्क स्कूल। एनएम जोशी मार्क स्कूल का डिफेंस बेहतर खेल रहा है, कोऑर्डिनेशन से खेल रहा है। साई गणेश ठुकराल को ये पहला टच हुआ था, इसीलिए पॉइंट भी उनके नाम गया है। क्या जबरदस्त मुकाबला और रणनीतियां इतनी जबरदस्त रही है। सुपर टैकल ऑन, 3 डिफेंडर सामने, बैक की कोशिश अभी भी, लेकिन यहां बहुत एडवांस टैकल। 1 पॉइंट एनएम जोशी मार्क स्कूल, जर्सी नंबर 4 आउट। सुनील, ये मुकाबला ऐसा है कि जो टीम प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंड कर पाएगी वो टीम जीतेगी, लेकिन यहां डॉन बॉस्को को पॉइंट मिलता हुआ। कीमती 2 पॉइंट मिले हैं आर्यन सकपाल को, 2 पॉइंट का फासला है। अगर सुपर टैकल हो गया तो स्कोर बराबर हो सकता है। छोटी हाइट बड़ी फाइट, लेफ्ट कॉर्नर को देखिए, ब्लॉक किया, शानदार टैकल। साई गणेश ठुकराल लग नहीं रहा था कि सुपर टैकल होंगे, लेकिन अद्भुत काम किया है। दोनों ही टीमें बराबरी पर, क्या जबरदस्त सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों में जद्दोजहद है, लेकिन दक्ष शेट्टी कामयाब। 1 पॉइंट, 5 खिलाड़ी, यानी कि बोनस ऑन नहीं। शानदार मुकाबला, सेमीफाइनल, लेफ्ट कॉर्नर में गए, लेकिन फिर एक बार दोनों ही टीमें बराबरी पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉन बॉस्को के लिए दक्ष शेट्टी इस समय रेड में है। क्या टीम को जीत दिलवा पाएंगे इस रेड के बाद। दक्ष आउट, दक्ष शेट्टी को आउट किया, बड़ा शिकार। सुपर टैकल ऑन, या तो रेडर आउट होगा, अगर रेडर आउट हुआ तो सुपर टैकल हो जाएगा। सुपर टैकल डॉन बॉस्को, अंतिम रेड पर मैच जीत गए हैं। अगर 3 से ज्यादा डिफेंडर होते तो स्कोर टाई होता, लेकिन 3 के डिफेंस में अगर रेडर आउट हो तो वो सुपर टैकल कहलाता है, उसके 2 पॉइंट मिलते हैं। डॉन बॉस्को ने नाटकीय ढंग से मैच की अंतिम रेड पर यह सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया है, और कोच खुश क्यों ना हो। क्या शानदार मुकाबला, दक्ष शेट्टी ये है हीरो डॉन बॉस्को स्कूल के लिए। डॉन बॉस्को स्कूल डोंबिवली ने इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है।